वर्ष 2023-24 की 12वीं कक्षा में 85,770 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 63,092 स्टूडेंट्स परीक्षा में पास हुए हैं। हिमाचल प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार टॉप 10 मेरिट में 41 स्टूडेंट्स में से 30 लड़कियों तथा 11 लड़कों ने बाजी मारी है, जिसमें विज्ञान में कामाक्षी शर्मा और छाया चौहान ने 98.80% अंक हासिल कर दोनों ने 500 में से 494 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया है। कला एवं संस्कृति में अर्षिता ने 500 में से 490 अंक हासिल कर पहले स्थान पर बाजी मारी है, तो वहीं विधानसभा नूरपुर की पंचायत प्रंगना की रहने वाली शब्या ने 500 में से 490 अंक प्राप्त कर कमर्स में प्रदेश भर में अपना लोहा मनवाया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जसूर की छात्रा शब्या ने कमर्स में 98% अंक हासिल कर अपने स्कूल व क्षेत्र का प्रदेश भर में नाम ऊंचा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए शब्या ने बताया कि ये सब उसके माता पिता, शिक्षक वर्ग तथा उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो वह आज इस मुकाम को हासिल कर पाई है। शब्या के पिता स्वप्न कुमार प्राइवेट जॉब करते हैं तथा माता अनुबाला एक गृहिणी है तथा उसका एक बड़ा भाई भी है। शब्या के परिवार वालों ने बताया कि शब्या शुरू से ही पढ़ने लिखने में अव्वल रही है तथा वह भविष्य में CA बनना चाहती है। आपको जानकारी दे दें कि शब्या एक आम परिवार से संबंध रखने वाली है तथा उसकी पढ़ाई में रुचि तथा मेहनत को देखते हुए रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा द्वारा छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई थी, ताकि बच्ची के सपनों को साकार होने के बीच में कोई भी बाधा उत्पन्न ना। सभा अध्यक्ष अखिल बख्शी ने भी शब्या को प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल करने पर बधाई दी है। थ्रू आउट द ईयर तो रेगुलरली पढ़ना था ना, तो रेगुलर 3 से 4 घंटे, जैसे स्कूल से आए तो 4 से 7, जैसे 3 घंटे हो गए, तो वैसे रेगुलरली जो क्लासेस लगती थी, टेस्ट मिलते थे वही, एंड जब एग्ज़ाम लगे तब बीच में जो गैप होता है एग्ज़ाम्स के बीच में, तब 8 से 10 घंटे बस। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? पेरेंट्स और स्कूल का, क्योंकि उनका मतलब सारे टीचर्स बड़े ज़्यादा सपोर्टिव हैं एंड कोई भी डाउट होता है तो वो क्लियर कर देते हैं। आपने आप जो प्लस टू इतने अच्छे नंबर से जो है क्लियर किया है, तो आगे आपका एम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट CA। आप जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ये रेगुलरली पढ़ना और जितना है अपना बेस्ट दो बस। अच्छा भैया, आजकल आपने मेन चीज़ देखी है नशा, तो नशे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे यूथ हमारा गलत साइड जा रहा है तो नहीं करना चाहिए, अपने मतलब लाइफ पे फोकस करना चाहिए, घर की साइड देखना चाहिए बंदे को, बस अपने एम की साइड पूरा फोकस्ड रहना चाहिए।